नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। और मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी। आपका स्वागत करता हूं डे 9th ऑफ 15 डेज जीएसटी कोर्स में, विच वी आर कंडक्टिंग थ्रू ई लर्निंग। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक, जिसमें काफ़ी लिमिटेड कंटेंट्स रखे हैं हमने ताकि थोड़ा डिटेल इस पर डिस्कशन हो सके। वो है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आई डोंट नो व्हाई बट प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी क्लियर एज फार एज एप्लीकेबिलिटी एटसेट्रा इज कंसर्न। फिर भी यहाँ पे इतने कन्फ्यूजन्स है, मे बी बिकॉज ऑफ द पुराने जो भी कंसेप्ट है दिमाग में उसके वजह से शायद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन से कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट विल इंक्लूड सेक्शन 31, 2, 3 एंड 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसमें है टैक्स इनवॉइसेस, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। मे बी नॉट इन द सेम सिक्वेंस, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा जैसे flow of the information जैसे जाता है, but we'll try to cover all these four important sections। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि what is the importance of tax invoice basically। कि invoice in itself is not a agreement or anything, but it you know creates a record of the pre-existing agreement। जिसका मतलब है मे बी ओरली या तो फिर रिटर्न में, जैसे कि पीओ रहता है या सर्विस एग्रीमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है जब ट्रांजैक्शन के टाइम पे इनवॉइस जनरेट होता है। सो यू एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, यू परचेस गुड्स, अलोंग विद द गुड्स व्हाट यू विल रिसीव इज टैक्स इनवॉइस। यू प्रोवाइड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद व्हाट यू विल इशू इज टैक्स इनवॉइस, प्रोवाइडेड दैट बोथ द सप्लायर्स आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी एक्ट। Also, to keep a track of transactions and to create a base for maintaining those transactions into books of accounts, invoice plays a very important role. Otherwise, कौन से supply पे कितना tax record किया, उसके records क्या है, ये records maintain करने के लिए कुछ तो base होना चाहिए, and that base is the tax invoice. तो ये है importance of the document of tax invoice. हम में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन व्हाट अ टैक्स इनवॉइस लुक्स लाइक, बट फिर भी यहाँ पे डिस्कशन पर्पस के लिए मैंने ये एक टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट लिया है इंटरनेट से। आई हैव ट्राइड टू फिट द एंटायर टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट ऑन वन स्क्रीन, सो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है बट आई थिंक इट इज स्टिल विजिबल। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉम्पोनेंट्स टैक्स इनवॉइस में होने जरूरी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट ट्रेड विद सर्टेन रूल्स। तो एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सप्लायर है उसका नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन नंबर, ये सब डिटेल्स आएंगे। यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर एबीसी लिमिटेड जो भी है उसका डिटेल्ड है एड्रेस एक्सेट्रा, उसका जीएसटी नंबर है 32 से चालू हो रहा है, सो दैट वे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिटेल आएगा वो आएगा कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर। नाउ यू कैन सी हियर इनवॉइस नंबर 1, तो कॉन्सिक्यूटिव और सीरियल नंबर होनी चाहिए। सीरियल नंबरिंग होने की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर सीरियल नंबरिंग नहीं है और हैपेजर्डली नंबरिंग हो रहा है तो कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्ड्स इंश्योर नहीं होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी देखा है हमने कि एक आध इनवॉइस नंबर लोगों का छूट जाता है या कर नहीं पाते वो टाइम पे इनवॉइस, विच इज रॉन्ग एक्चुअली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो वो केस में वो नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाता है विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द जीएसटी लॉ। तो वन हैज टू मेक श्योर दैट वॉट एवर इनवॉइस, मतलब सपोज करके चलो ये 1 फरवरी 2018 को फर्स्ट नंबर निकाला है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनवॉइस नंबर विल बी डेफिनेटली ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2018। इट कैनॉट बी प्रायर टू, इट कैनॉट बी January 2018, इट हैज टू बी 1 फरवरी और आफ्टरवर्ड्स। तो इसको बोलेंगे सिर्फ सीरियल नंबर। क्या सीरियल नंबर मंथली हो सकता है?
The answer is yes, as far as you are in a position to make sure and ensure the completeness of the records, definitely you can. We all know ki humko jab GSTR 1 hum log file karte hai, which is a statement of outward supply, which we do it every month or quarter as maybe as the case may be depending upon the turnover. So is case mein humko details of the invoices issued with numbers dene padte hai. So for example, jo monthly series maintain kar raha hai, for example series aisi hai ki abhi 2021 year chalu ho gaya financial year. So 20-21/ और उसमें आगे मंथ डाले APR/001 APR/002 इवन दिस इज अ सीरियल नंबरिंग बट GSTR 1 ऑफ अप्रैल में सपोज करके चलो अप्रैल में मेरे 60 इनवॉइसेस हो गए इशू तो ऑल द 60 शुड बी डिस्क्लोज्ड और बाद में जाके ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने यू नो फॉर द एडजस्टमेंट पर्पस सम पीपल डू दैट कि टैक्स शो किया सेल शो किया उस पर टैक्स भरा Again, if you are not shown it in the GSTR 1, then it becomes difficult for you to prove that that particular supply was affected during April. So, monthly ke monthly maintain kar sakte ho, lekin provided that all the details should be disclosed in the GSTR 1 of that particular period. Aur usse wo differ ho gaya, to it creates a doubt in the minds of the authorities at the time of scrutiny maybe. So, ye ek ho gaya. उसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इट इज अ 16 डिजिट नंबर दैट 16 डिजिट तक यू नो इनवॉइस में नंबरिंग हो सकता है इसमें मे बी वर्ड्स नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज स्लैश या कोलन ऐसे यूज हो सकता है उसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट इज डेट ऑफ इशू राइट हैंड साइड में यू कैन सी ये जो प्लेसमेंट या फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ इनवॉइस है वो हर एक अपने अपने हिसाब से कर सकता है जस्ट यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो की है इस हिसाब से मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मतलब डेट अगर किसी को यहाँ पे लेना है या ऊपर लेना है लेफ्ट हैंड साइड में तो दैट इज ओके ओनली दिस फील्ड शुड अपियर इन द इनवॉइस तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस शुड अपियर देयर उसके बाद नेम एड्रेस ऑफ एंड जीएसटी आई एन ऑफ द बायर यहाँ पे देख सकते हो आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके डिटेल्स है उसका जीएसटी नंबर है अगर एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलग है It is not same as the place of buyer, the address of the buyer. So, in this case, mein alag se idhar mention hona zaruri hai ki delivery at which address. So, wo ek cheez ho gayi. Isi ke saath saath aage chal ke dekhte HSN code for the goods. So, yahan pe HSN code likhna zaruri hai. HSN code ke baare mein thodi der mein dekhenge kya hai, kya nahi hai. HSN in case of goods. Which is harmonized system of nomenclature, which is a unique system developed globally to identify a particular type of material in a unique manner. Uska coding kiya gaya hai. Aur isi ke saath saath services ka bhi hai, service accounting code SAC karke hai. To service ke case mein SAC aa jayega. Uske baad description of the goods. Now you can see here DVD. To yahan pe description of the goods likhne, which should correlate to your HSN code, which you are writing. Quantity in case of goods and unit or UQC बोलते हैं उसको unit quantity code thereof. तो यहाँ पे जैसे देखो 10 is the quantity और pieces is the UQC unit quantity code. जो भी unit है measurement का kgs हो सकता है, tons हो सकता है, liters हो सकता है, anything या pieces हो सकता है. यहाँ पे pieces है तो pieces लिया है. उसके बाद total value of supply of goods or services or both. यहाँ पे total value आ गया which is the base value on which tax will be calculated. उसके बाद रेट ऑफ सप्लाई 18% यहाँ पे देख सकते हो आप जीएसटी रेट उसके बाद आएगा अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड तो यू कैन सी दैट अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज चार्ज्ड इज 3150 सीजीएसटी एसजीएसटी नाउ दिस इज 32 स्टार्टिंग कोड दिस इज 32 स्टार्टिंग कोड केरला तो इन दैट केस अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज भी यहाँ पे आ गया है उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई केरला लिखा है बट आई थिंक इट इज ओनली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल इंटरस्टेट में भी कई लोग लिखते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन इट्स ओके बट लिखा नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो इंटरस्टेट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज अ प्लेन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसा गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ या ऐसी सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ लेट्स से आई एम अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड आई एम कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 93 तो उस केस में आई एम लेट्स से आई एम रजिस्टर्ड आल्सो एंड आई ऑप्ट टू
you know, opt to go for RCM service. So definitely I will not be charging and recovering tax from my service recipient. But जो भी मेरी सर्विस अवेल कर रहा है एज अ ट्रांसपोर्टर, मैं जिसको भी सर्विस दे रहा हूँ, तो उसने टैक्स भरना है वो आरसीएम में. हमने आरसीएम के बारे में देखा लेवी के केस में, लेवी के सेशन में. तो इस केस में जब मैं इनवॉइस इशू करूंगा तब मुझे क्लियरली लिखना है कि वेदर द टैक्स इज चार्जेबल पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज. तो आई विल पुट अ रिमार्क हियर कि द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज, और उसको टिक करूंगा, तो चेक मार्क करूंगा. तो वैसे करना जरूरी है. और उसके बाद सिग्नेचर इन केस ऑफ द सप्लायर फिजिकल इनवॉइस इशू. तो यहाँ पे जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, ऑथोराइज सिग्नेटरी वो है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिसको ऑथोराइज सिग्नेटरी करके ऑथोराइजेशन दिया हुआ है उसका सिग्नेचर आएगा. व्हाई आई टुक ऑल द डिटेल्स इन पर्टिकुलर, उसका रीजन है कि काफी बार अभी भी 2 साल जीएसटी के होने के बाद भी ऐसे काफी इनवॉइसेस देखने को मिलते हैं कि जिसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड एंड इट मे enter into the aspect of offense under section 122 if it is not properly done. So, uske liye har ek bit wise humne yahan pe details liye hue hain. Iske sath sath balki aaj kal jo bhi softwares aate hain, wo softwares mein tax invoice issue karne ke liye facility rehti hai and they make sure that all these things are there. But still I find many cases wherein may not be the clients who are supplying, but the clients who are receiving tax invoices from their customers, their suppliers, unki invoices mein kafi sare irregularities rehte. To isiliye maine ye particularly liya taki jisko bhi iska benefit mile to mil sakta hai. Uske baad HSN ke bare mein maine bola tha ki dekhenge. To we know that HSN is a specific identified code, harmonized system of nomenclature. System ke hisab se jo code hai wo code rehta hai. To iske liye 4 digits, 6 digit codes रहते हैं, इसमें से 4 digit तक हमको लिखने, but वो हमको कहाँ पे मिलेंगे, how to find out कि which code to utilize, to use in the issue of tax invoice, तो उसके लिए pretty simple thing is there. हमने levy के time पे भी देखा कि notification number 1/2017 for goods और 11/2017 for services, जो जहाँ पे basic rates of tax दिए हुए हैं GST में, तो ये दो नोटिफिकेशन गवर्न करते हैं कि कौन से कमोडिटी पे क्या टैक्स लगेगा, उसी के साथ साथ कौन से सर्विस पे लगेगा. बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट गिवन फॉर द ईज पर्पस. हमको देखना कहाँ पे, तो स्टिल द कस्टम टैरिफ एक्ट विल बिकम एप्लीकेबल. कस्टम टैरिफ एक्ट में आपके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से शेड्यूल सब शेड्यूल जो भी है वो सर्च करके यू हैव टू कंफर्म कि विच HSN कोड इज एप्लीकेबल एंड देन यू कैन यूज द फर्स्ट 4 और एज द केस मे बी द डिजिट्स इन द HSN कोड. So that system is pretty clear. Even if you see these two notifications in the explanation part, they have mentioned that in case of non-clarity or any issues, you should refer to the Custom Tariff Act. So Custom Tariff Act is the best for this finding the HSN code. उसके बाद थोड़ा एक relief मिला है यहाँ पे HSN जो हम लोग furnish करते हैं tax invoice में, up to 1.5 crores जिसका भी turnover है उसको HSN code लिखने की जरूरत नहीं है. जिसका अप टू 1.5 से लेके 5 अप टू 5 करोड़ तक का है उनको सिर्फ पहले 2 digits लिखने हैं, और जिनका 4 digits 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है उनको 4 digits तक लिखना कंपलसरी है. तो दैट वे वन हैज टू कीप इन माइंड दैट यूज ऑफ HSN कोड और SSC कोड शुड बी डन. उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हेन एंड हाउ टू इशू द इनवॉइस. व्हेन टू इशू द इनवॉइस हमने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है. टाइम ऑफ सप्लाई के सेशन में तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, तो आई आइकॉन है उसको प्रेस करने के बाद आपको वो सेशन मिलेगा, अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो. तो क्विकली रिकैप करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई के केस में इनवॉइस कब इशू करना है वो हमने डिस्कस किया था. 2 हिस्सों में उसको बांटा था, गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में. गुड्स के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो 2 कैटेगरीज देखी थी, एक द गुड्स विच रिक्वायर मूवमेंट, दूसरा जो गुड्स डू नॉट रिक्वायर मूवमेंट. गुड्स जो मूवमेंट रिक्वायर है उनको बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट स्टार्ट्स ऑफ द गुड्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. और दूसरा जो है विच डू नॉट रिक्वायर मूवमेंट, उसके लिए व्हेन द गुड्स आर मेड फिजिकली अवेलेबल टू द रेसिपिएंट. ये हो गया गुड्स के केस में.
services ke case mein within 30 days from the provision of the service in normal case, in case of banking or financial institutes, 45 days from the provision of the service. So ye tha time of issue of the invoice, latest time of issue of the invoice. Ye to humne detail mein dekha hi hua hai. Iske saath saath how many copies issue karni hai kisi ko bhi tax invoice ki. So goods ke case mein 3 hai. Ek original for the recipient, jo buyer hai wo. Duplicate for the transporter, jo goods carry kar raha hai wo. Aur triplicate I will retain the supplier who is issuing it. और सर्विसेज के केस में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कुछ सवाल नहीं आता है तो दैट इज रिमूव्ड. तो ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट जो बायर है उसके लिए और डुप्लीकेट फॉर मी हु इज सप्लाइंग द गुड्स सर्विसेज. ये हो गया इशू ऑफ इनवॉइसेस के केस में. अभी इनवॉइस के साथ-साथ बिल ऑफ सप्लाई भी कांसेप्ट देख लेते. मोर और लेस द डिटेल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन बिल ऑफ सप्लाई आर सिमिलर टू टैक्स इनवॉइस. तो इसमें क्या डिफरेंस है और किसको ये बिल ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होता है तो समझेंगे. कि पहली चीज तो ऐसा है कि ओनली दोज पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल होती है. उनको इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस दे हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो टैक्सेस रिकवर नहीं कर सकते दोस्तों. उनको जो भी टैक्सेस है वो खुद के पॉकेट से भरने, बिकॉज दैट इज अ रिड्यूस्ड एंड रिलीफ दिया हुआ रेट है, ना कि वो कमोडिटी का रेट है. फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी का रेट 18% है, उनको 1% से ही भरना है. तो वो टैक्स जो है वो उनको उनके मार्जिन से भरना है, ना कि वो कस्टमर से रिकवर कर सकते. तो ओनली डिफरेंस एक एडिशनल जो उनको फील्ड मेंशन करना है बिल ऑफ सप्लाई में, एक तो टैक्स इनवॉइस की जगह पे बिल ऑफ सप्लाई ऐसे मेंशन रहेगा. इसी के साथ साथ उनको क्लियरली लिखना है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, ताकि मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो या टैक्सेस गलती से कलेक्ट ना हो इसके लिए. और कंटेंट्स बाकी जो है वो सिमिलर टू टैक्स इनवॉइस है. इतना ही बिल ऑफ सप्लाई के बारे में कहना था. उसके बाद दोस्तों रिसीट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर भी देख लेते हैं. इट्स अ सिंपल कंसेप्ट. अगर एडवांस रिसीव कर रहा हूं मैं गुड्स या सर्विसेज के केस में, तो वन डॉक्यूमेंट आई हैव टू इशू इज रिसीट वाउचर. रिसीट वाउचर इन केस ऑफ सर्विसेज विल ऑल्सो हैव टैक्स इनटू इट. जैसे कि टैक्स इनवॉइस है, सिमिलर मैनर में रिसीट वाउचर आएगा. अभी रिसीट वाउचर लिया और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया ही नहीं, तो क्या? तो आई हैव टू इशू अ रिफंड वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट बैक टू हिम. सो रिफंड वाउचर और रिसीट वाउचर, ये एडवांस के पेमेंट मिलने के बाद और वो रीपे किए है अगर सप्लाई ना करके. तो अगर सप्लाई करता हूं तो टैक्स इनवॉइस निकालना है विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल रिसीट वाउचर, कि जिसमें इतना इतना टैक्स रिकवर किया था, तो उसका रिडक्शन जाएगा मेरा जीएसटीआर 1 में. तीसरा है कि पेमेंट वाउचर. आपको पता है कि सेक्शन 93 एंड 94 जो गवर्न करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जो टैक्स पे करना है उस पे, तो रिसिपिएंट पेज द टैक्स और वो पेमेंट के लिए उसको एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, उसको बोलते हैं हम लोग पेमेंट वाउचर. तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. नाउअडेज 94 प्रोविजन जो है वो कम वो एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज उनको सस्पेंड किया गया है फॉर टाइम बीइंग फ्रॉम द एक्ट. तो देर आर नो मेजर केसेस विच आर कवर्ड एक्सेप्ट अ कपल ऑफ इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो और इस केस में सिर्फ उसी टाइम पे करना है जब सप्लायर इज कवर्ड बाय 93 और 94. तो रिसिपिएंट ने ये पेमेंट वाउचर उसको इशू करना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर. इसके बाद रिवाइज्ड इनवॉइस देखते हैं क्विकली बिफोर गोइंग टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स. रिवाइज्ड इनवॉइस ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि थ्रेशोल्ड हमने डिस्कस की कल के सेशन में, कि जो थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर टर्नओवर क्रॉस होता है 20 लाख हो या 40 लाख हो, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. बट ऐसा नहीं है कि आज 20 लाख हो रहा है और कल से मैं टैक्स चालू कर रहा हूँ. इन बिटवीन आई हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, गेट माई नंबर, और इस सब के लिए 4-5 दिन तो कम से कम लगेंगे. तो इस समय में कैसे होता है कि इफ आई एम क्रॉसिंग माय लिमिट ऑन लेट्स से 1st January एंड आई अप्लाई फ्रॉम 5th January और मुझे रजिस्ट्रेशन मिलता है 9th या 10th January को, तो मेरा 5th January इफेक्टिव डेट हो गया और 10th January सर्टिफिकेशन डेट हो गया. तो ये जो बीच का डिफरेंस है, उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी इनवॉइसेस निकाले बट आई एम लायबल टू कलेक्ट एंड पे टैक्स ऑन दैट. तो वो सभी इनवॉइसेस जो मैंने उस पीरियड के दौरान निकाले थे, उसके लिए आई हैव टू इशू वन टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी इनवॉइस व्हिच आई हैव डन. तो उसको मुझे क्लियरली लिखना है कि दिस इज अ रिवाइज्ड इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस करके लिखना है.
और उसपे सब डिटेल्स लिखने इसमें। लेकिन एक एक ये दिया है उन्होंने बेनिफिट रिलीफ दिया हुआ है कि अगर मेरा बी टू सी है तो बी टू सी के लिए मैं कंसोलिडेटेड पर डे वन इनवॉइस निकाल सकता हूँ, बट अगर बी टू सी है और इंटरस्टेट है 2,50,000 की लिमिट क्रॉस हो रही है तो लेकिन मुझे अलग इनवॉइस निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज कंसोलिडेटेड का एक बेनिफिट ले सकते हैं इस केस में, लेकिन रिवाइज इनवॉइसेस ये निकालना काफी जरूरी है। उसके बाद आते हैं क्रेडिट और डेबिट नोट्स पे। क्रेडिट और डेबिट नोट्स पे हमारे कुछ वीडियोस भी है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्रेडिट डेबिट नोट्स उनके प्रोविजंस, बट यहाँ पे जैसे हम लोग ये सेशन का पार्ट है इसके बारे में बात करना काफी जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो जीएसटी आने से पहले जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स थे दिमाग में, दोज वी हैव टू अनलर्न, बिकॉज डेबिट नोट आया तो उसको बुक करने के लिए क्रेडिट नोट बनाया, क्रेडिट नोट आया तो उसके उसको अकाउंट्स में बुक करने के लिए डेबिट नोट इशू किया। सो यहाँ पे वो डेबिट और क्रेडिट नोट की बात नहीं चल रही है दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट नोट एज पर जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ किस डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है एज डेबिट एंड क्रेडिट नोट वो जानना काफी जरूरी है। तो वो क्या है, अ क्रेडिट और डेबिट नोट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ कैन बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस कौन रिसीव इशू करता है, तो सप्लायर इशू करता है। तो इस केस में जिसने गुड सप्लाई किए हैं वही क्रेडिट नोट इशू करेगा और वही डेबिट नोट इशू करेगा, लेकिन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस फॉर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। तो हु विल नॉट इशू अ क्रेडिट नोट, द आंसर इज रिसिपिएंट। रिसिपिएंट विल नेवर इशू अ जीएसटी क्रेडिट और जीएसटी डेबिट नोट। यस, ही मे इशू अ क्रेडिट और डेबिट नोट बट फॉर हिज अकाउंटिंग पर्पस, नॉट फॉर द जीएसटी रिकॉर्ड्स पर्पस। दोनों में डिफरेंस क्या है क्विकली देखते हैं दोस्तों, लेकिन इसके पहले समझेंगे कि क्राइटेरिया क्या है जब हमको क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करने हैं। तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, फॉर क्रेडिट नोट्स वेदर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न, वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। मैंने गुड्स भेजे उसमें से लेट्स से 100 भेजे क्वांटिटीज, उसमें से 20 रिजेक्ट हो गए, रिजेक्शन नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट, और एक्सेस सेंट, उधर 100 चाहिए थे मैंने 120 भेजे थे तो 20 रिजेक्ट किए, बट मैंने इशू ऑफ इनवॉइस कितने का किया था, 120 का किया था। तो 20 के लिए आई मींस द सप्लायर हु हैज इशूड द इनवॉइस फॉर 120 यूनिट्स हैज टू इशू अ क्रेडिट नोट फॉर 20 यूनिट्स। सो वेयर द गुड्स आर सप्लाइड आर रिटन बाय द रिसिपिएंट। दूसरा केस है कि द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी एक्सीडिंग द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर। इसका मतलब क्या है कि रेट्स निगोशिएशन चल रहे हैं और मैंने गुड सेल कर दिया, तो गुड सेल तो मैं गुड्स को तो भेज नहीं सकता विदाउट टैक्स इनवॉइस, तो आई इशूड अ टैक्स इनवॉइस बेस्ड ऑन व्हाटएवर निगोशिएशंस व्हिच आर गोइंग ऑन। तो 100 लेट्स से आई हैव इशूड अ टैक्स इनवॉइस एंड देन आई रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द निगोशिएशन मुझे 100 वैल्यू मिलने नहीं वाली है, आई एम ओनली गोइंग टू रिसीव 95 क्योंकि रेट फाइनल हो गया 95। तो उस केस में आई विल इशू अ टैक्स क्रेडिट नोट फॉर 5 rupees on and taxes on that. तो 100 और उस पे 18% ये tax पहली invoice मैंने निकाली, उसके बाद मैंने credit note निकाली 5 rupees and taxes on that. तीसरी केस है कि where goods or services or both supplied are found to be deficient. For example, मैंने एक खास assignment ले ली service के लिए for professional services and मेरी quality of services अच्छी नहीं है, या तो फिर वो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल सर्विस इन दैट प्रॉपर टाइम फ्रेम, तो उसी लिए आई एम नॉट एलिजिबल टू रिसीव द एंटायर अमाउंट विच वॉज एग्रीड। तो 100 की जगह पे आई एम ओनली गोइंग टू रिसीव 90, तो 10 के लिए मुझे क्रेडिट नोट इशू करनी है। तो इन ऑल थ्री केसेस द सप्लायर विल इशू अ क्रेडिट नोट, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा देखते हैं। ए सेल्स गुड्स टू बी रुपीज 1 lakh एट 18% जीएसटी 18,000। नाउ ये जो डिटेल है ये सेल हो गया 1 lakh पे 18,000 जीएसटी टैक्स हो गया और उसको इनवॉइस भेज दिया, इसका रिफ्लेक्शन होगा जीएसटी आर 1 में इनवॉइस जीएसटी और उसका लायबिलिटी 18,000 अगेंस्ट द जीएसटी आई एन जीएसटी नंबर ऑफ माई रिसिपियंट। देन बी ए सेंड्स टू बी, देन बी रिटर्न्स द मटेरियल पर्टेनिंग टू 20,000 है ये एक्चुअली नॉट लैक्स है 1 lakh के अगेंस्ट 20,000 का मटेरियल जो था उसने रिजेक्ट कर दिया वापस भेज दिया, तो उस पे 18% आ गया 3,600। तो अगेन आई विल इशू अ क्रेडिट नोट फॉर 20,000 प्लस टैक्स ऑन दैट 3,600 23,600। उसका अगेन मैं जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट इशू करूंगा
क्रेडिट नोट करके फर्निश करूंगा देन माय इन माय 3B earlier liability had gone was 18,000 now the liability will get reduced to the tune of 3,600 so I ultimately kitni liability mein pay kar raha hu through 3B 18,000 minus 3,600 14,400 aur mere GSTR 1 mein credit pass on kitne ka ho raha hai to initially through invoice mera 18,000 ka ho gaya and credit note se mera 3,600 ka kam ho gaya to mera credit transfer ho gaya 14,400 to GSTR 2A BK 2A mein kitna dikh raha hai 14,400 This is a normal and ideal scenario. Now, what happens, I will tell you. यहाँ पे थोड़ा सा issue हो जाता है और issue होने के कुछ कारण भी है जैसे कि B जब material वापस भेज रहा है तब मैंने issue किया नहीं है अभी तक tax credit note because मेरे पास material नहीं आया है तो if I'm using any ERP or SAP तो my system does not allow me to issue the credit note until I receive the goods. तो B क्या करेगा B के पास कुछ document ही नहीं भेजने के लिए goods के साथ वो क्या भेज सकता है credit note का memo भेज सकता है memo for issuing credit note but memo is not recognized as a document by GST act to wo seedhi seedhi baat kar leta hai ki aur simply wo tax invoice issue kar leta hai because he is sending the material back to tax invoice cum debit note aise kuch likh ke kafi practice prevailing hai market mein to aise bhej deta hai but if he is showing it as sales then uska liability increase ho jayega aur jab goods milenge as per GST law I have to issue a credit note because mera supply reject होके मेरे पास वापस आ रहा है तो I will also issue a credit note तो मैं credit note issue करके मेरा liability कम कर रहा हूँ and he is claiming the entire 18,000 earlier as a input tax credit at the same time he is also paying additional liability of जो 3,600 है वो तो here it is going to create a confusion because उसका 2A में भी mismatch हो जाएगा और उसका एडिशनल लायबिलिटी अलग से दिखेगा एंड लेट्स से उसने शो नहीं किया उसने भेज दिया तो वो बाय चांस मैच हो जाएगा बट यहाँ पे देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन व्हिच रिमेंस बिकॉज़ एवरीबॉडी इज नॉट इन अ पोजीशन टू मैच एंड रिकंसाइल ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विद ऑल द सप्लायर्स तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड एसओपी होनी जरूरी है हर एक कंपनी की अगर गुड्स रिटर्न के केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएंगे लेकिन एज पर जीएसटी लॉ जिसने टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसने क्रेडिट नोट इशू करना ही करना है क्योंकि क्या होता है जब मेरा रिटर्न करने वाला कस्टमर है रिटर्न करने वाला कस्टमर है बी बी बोलता है कि मैं गुड्स नहीं बेच सकता अनलेस आई हैव सम डॉक्यूमेंट तो वो टैक्स इनवॉइस भेजेगा और मैं उसने टैक्स इनवॉइस भेजा है इसके लिए मैं मेरा क्रेडिट नोट इशू करना छोड़ देता हूँ एंड आई टेक द आईटीसी ऑफ दैट इनवॉइस व्हिच इज सेंड बाय बी तो अरिथमेटिकली मैच हो गया सब जैसे होना चाहिए था पहले भी लेकिन यहाँ पे नॉन फॉलो ऑफ प्रोविजन हो रहा है कि गुड्स वापस आए तो उसको क्रेडिट नोट इश्यू नहीं किया है मैंने दूसरा क्योंकि सेक्शन 34 में अगर देखोगे तो सप्लायर मे इशू है तो मे इशू के वर्डिंग के हिसाब से ये भी एक तरीके से सही है बट इफ यू गो टू सेक्शन 122 ऑफेंसेस तो ऑफेंसेस में ऐसे हो सकता है कि गलत तरीके से इनवॉइस निकाला हुआ है क्योंकि उसने बी ने एक्चुअली सप्लाई नहीं किया है सो इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स इज जस्ट रिटर्निंग द सप्लाई व्हिच वाज अर्लियर डन बाय ए टू बी तो इन माय ओपिनियन फर्स्ट ये जो सिचुएशन है इस हिसाब से प्रोसीजर फॉलो होना जरूरी है इस पे हमारा एक डिटेल वीडियो भी है उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ऊपर तो वो भी आप देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इसके बाद डेबिट नोट के लिए क्या क्राइटेरिया तो देयर इज ओनली सिंगल क्राइटेरिया कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज्ड इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू जैसे मैंने नेगोशिएशंस का एग्जांपल लिया था कि नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन तो मैंने 100 रुपी सेफर साइड पे कम लेके टैक्स इनवॉइस चार्ज किया बट रेट गेट्स नेगोशिएटेड एट 110 रुपीज तो जो डिफरेंशियल 10 रुपीज है उसके लिए मुझे डेबिट नोट इशू करना है आई बीइंग द सप्लायर उसके बाद दो सेक्शंस और लेने हैं हमको सेक्शन 32 जो है वो और सेक्शन 33 है जो है वो तो प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स तो ये क्या है सेक्शन 32 ये दो चीजें बोलता है सिंपल चीजें अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस और रजिस्टर्ड पर्सन विल ओनली कलेक्ट टैक्सेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नॉट अदरवाइज ये दो सिंपल चीजें हैं लेकिन इसमें काफी सारे प्रेसिडेंट्स हैं जैसे कि छोटा भाई जेठा भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक डिसीजन है जिसमें जो डिसीजन
से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है कि जो फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टीज है, इसमें सेल ऑफ गुड्स होता है, तो सेल ऑफ गुड्स जो होता है वो बेस्ड ऑन सम कॉन्ट्रैक्ट होता है जो प्योर रह सकता है, सर्विस एग्रीमेंट रह सकता है, कोई भी एक बेसिक एग्रीमेंट बिटवीन, म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू. तो उसमें अगर टैक्सेस इज नॉट अ पार्ट, तो अगर टैक्सेस नहीं पार्ट है तो बी बोलेगा कि तुमने एग्रीमेंट के टाइम पे नहीं बोला था कि टैक्सेस एक्स्ट्रा लगेंगे तो मैं तो टैक्सेस नहीं देने वाला. लेकिन ए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो गवर्नमेंट तो बोलेगा कि ए को टैक्स भरना ही भरना है उस केस में. देयर इज नो वे आउट दैट ए विल सरपास द लायबिलिटी. मे बी ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिकवर इट फ्रॉम बी, बट ए विल हैव टू पे इट टू द गवर्नमेंट. सो रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम बी फ्रॉम ए इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फॉर सेल बिटवीन ए एंड बी. बट टैक्सेस उसमें मेंशन किए हो या ना किए हो, ए को तो टैक्स जो ट्रांजेक्शन है उसमें गवर्नमेंट को भरना है. ये सिंपल प्रिंसिपल है, ये समझना चाहिए. तो प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज में दो चीजें आएंगी, जो अनरजिस्टर्ड है वो किसी भी तरह से कलेक्शन नहीं करेगा, और जो रजिस्टर्ड है वो किसी भी तरह से लॉ में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसी के हिसाब से कलेक्शन ऑफ टैक्सेस करेगा. दूसरा एंड लास्ट एक प्रिंसिपल है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट सेक्शन 31. ये क्यों है सेक्शन वो पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये भी एक फेमस जजमेंट है कि मारुति उद्योग का दिल्ली का डिसीजन है सीसी, जिसमें कम ड्यूटी का एक क्वेश्चन अराइज हो गया था. फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक एग्जाम्पल में ले लो कि इन केस ऑफ लेट्स से एक स्क्रूटिनी या असेसमेंट ऐसे फाउंड होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने ये सप्लाई किया था लेकिन इस पे टैक्स नहीं भरा है. सपोज 1 lakh rupees अमाउंट डिसाइड होता है कि ये फाउंड टू बी द सप्लाई कि जिस पे टैक्स नहीं भरा हुआ है, तो ए विल ऑलवेज से कि ये 1 lakh इज इंक्लूसिव ऑफ माय टैक्सेस, क्योंकि 1 lakh में मैंने टैक्सेस, 1 lakh का रिसीट दिख रहा है आपको बैंक में लेकिन उसमें टैक्सेस भी थे, बल्कि उस टाइम पे शायद उसने टैक्सेस रिकवर भी ना किए हो. तो आइडियली 1 lakh पे 18% रेट है समझो, तो 18,000 हो जाएगा, बट वो बोलेगा कि नहीं 1 lakh इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी. बट ऐसा अगर उसको कहना है तो ये सेक्शन बोलता है कि अगर इफ दैट इज द केस तो ए विल हैव टू स्पेशली मेंशन ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एंड टैक्स इनवॉइस रिलेटेड टू दैट ट्रांजेक्शन कि 1 lakh इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आइदर केस, और ये एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ बेसिक and y is the component of tax and then the amount of total is 1 lakh rupees, aise jo normal apna tax invoice ka policy hai. To ye section chalu hota hai notwithstanding anything contained, non obstant clause hai jiske hisab se ye this will dominate over all the other provisions of the act. To is hisab se uska misuse na ho inclusive of tax ke provision ka, iske liye isko insert kiya gaya hai. To most of the टाइम ये असेसमेंट और स्क्रूटिनी के टाइम पे इसको यूज किया जा सकता है. इसी के साथ दोस्तों आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है, और आपका पेशेंट लिसनिंग एंड वाचिंग वीडियो के लिए मैं आपका आभारी हूं. और एक बार और रिमाइंड करा दूं सबको कि एट द एंड ऑफ 15th सेशन वी आर गोइंग टू इशू ई सर्टिफिकेट, जो आपको ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फॉर अटेंडेंस. तो जिसके लिए 3 सिंपल क्राइटेरियाज है आपको फुलफिल करने. क्राइटेरिया नंबर 1, यू शुड बी द सब्सक्राइबर टू अवर चैनल, तो सब्सक्राइब इमीडिएटली इफ यू आर नॉट डन इट येट. वॉच ऑल द 15 वीडियोस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स विच इज ई लर्निंग कोर्स. इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वो प्लेलिस्ट में जाके आप ऑल वीडियो देख सकते हो, और आपको फुल वॉच टाइम के साथ देखना है. फॉर एग्जाम्पल 25 minutes का वीडियो है, तो यू हैव टू वॉच ऑल 25 minutes, नॉट इन बिट्स एंड पीसेस. And you have to press like button for all these 15 videos. इसके बाद ये तीनों का आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन हमारे ईमेल एड्रेस पे भेजना है easygst4u@gmail.com, और आपको इसका वेरिफिकेशन होने के बाद ई सर्टिफिकेट भेजा जाएगा. सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे देना है इसका मेथड हम लोग 15th डे के वीडियो पे के बाद आपको बता देंगे. और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स ऑन जीएसटी मिल सके. और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.